फर्टीचर के बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि फर्टीचर अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो गांव में निकम्मे आदमी को बोला जाता है फर्टीचर। उसे समझा जाता है कि ये किसी काम का नहीं है, हर कोई उसे ताना मारता है। वो इंसान अपने आप में घूटता रहता है कि फर्टीचर आखिर है क्या। वो फर्टीचर एक दिन टीचर जब बनकर के सबके सामने आता है, क्योंकि उसके पास कुछ प्लान होते हैं, उसके पास कुछ तरकीब होते हैं, जो तरकीब किसको कैसे बताए किसी को समझ में नहीं आती है, तो उसको एक फर्टीचर नाम दिया गया। अरे ये तो फर्टीचर है, बस यूं ही ये बोलते रहता है, बस ऐसे ही करते रहता है। तो ये हमने एक इंसान की सच्ची घटना पर आधारित एक फिल्म है फर्टीचर, जो बनाने जा रहे हैं, जिसे देखने के बाद हर इंसान को लगेगा जो कोई कुछ बातें पब्लिक को, अपने पेरेंट्स को, अपने गार्जियन को बताना चाहता है और जब उसकी बातें कोई नहीं मानता है, वो उस बच्चे की कहानी है, अपने आप में एक दर्द लिए वो दर बदर यहां वहां घूमता है कि आखिर मैं जो चाहता हूं लोग समझ क्यों नहीं पाते हैं, और जब उसकी बातें समझते हैं तब दुनिया बोलती है कि ये फर्टीचर नहीं, ये टीचर था। तो हमने इस फिल्म को इसके लिए बनाने का निर्णय लिया, क्योंकि सबसे पहले बात है कि जो यूपी बिहार के, खास करके यूपी बिहार जो पलायन होता है, वहां के बच्चों में पढ़ाई करने के बाद उनका एक ही मकसद होता है कि बाहर कमाने जाना है, बाहर तुम्हें काम करने जाना। उनके माता पिता अगर पढ़ाते भी हैं तो बस इसीलिए कि तुम्हें कहीं ना कहीं बाहर जाके जॉब करना है, बाहर कमाना है। तो हम जो यूपी बिहार का जो पलायन है उसको दूर करने के लिए ये हमारी कहानी उस पर कटाक्ष है कि लोग क्यों, यूपी बिहार के लोग इतने परिश्रमिक होते हैं, इतने मेहनती होते हैं, फिर भी उनको दर बदर भटकना पड़ता है। सब कुछ होते हुए भी हुनर में यूपी बिहार से बढ़कर कोई नहीं है, टैलेंटेड में यूपी बिहार से बढ़कर कोई नहीं है, फिर भी वो दर बदर पे घूमने पे भटक लोग की कहानी हमने फर्टीचर लेके आया है, जो पलायन को खास करके मारेगा। और यूपी बिहार में हम ऐसा स्वरोजगार एक इस फिल्म के माध्यम से देने वाले हैं जो वहां के नौजुकों को वर्क मिलेगा, वहां पे काम मिलेगा, ऐसे से हम उद्योग इसमें दिखाएंगे। हम सरकार को भी इसमें जागरूक कर रहे हैं, अपने पब्लिक को इसमें जागरूक कर रहे हैं। ये फिल्म बनाने का मेरा उद्देश्य यही है और इसके लिए मैंने अपने टीम को जो रखा है, हमारा टीम जो है, चाहता हूँ कि फर्टीचर में हर किसी का सहयोग रहे, हर किसी का इसमें। सबसे पहले तो मैं अपने प्यारे दर्शकों को नमस्कार करता हूँ तहे दिल से, और अपने इस फिल्म के सारे कास्ट को मैं बधाई देता हूँ, अपने फिल्म के डायरेक्टर को बधाई देता हूँ, डीओपी अपने कैमरामैन को बधाई देता हूँ, अपने दोनों हीरो को बधाई देता हूँ, अपने हीरोइनों को बधाई देता हूँ, और ये उम्मीद करता हूँ कि सारी टीम मिलके मेहनत करके एक सफल फिल्म बनाएंगे। और गीत संगीत जो है मेरे ओर से जो भी हो पाएगा मैं अपना पूरा 100% देने की कोशिश करूंगा, और ये कोशिश करूंगा कि दिल से निकला हुआ चीज दिल तक पहुंचे। अजी भी आयल भाई, मार भैया, छोट भाई, चाचा उचा भी केहू बारे, सभी लोग के हम दिल से प्रणाम करते हैं। आए फिल्म के लेके हम बहुत बहुत ही उत्साहित बनी, हमारा बहुत अच्छा लगा था कि बिल्कुल यू कहानी है जवन हमारे जिंदगी के रियल कहानी है, जवन हम जियल बानी उहे में जिए के बा। हमारा उम्मीद बा कि हमें के अच्छा से निभा ले, सब लोग के जरूर पसंद आई। ना स्क्रिप्ट अभी हमारा मिलल नहीं है, कहे से कि अभी हमारा पहलका फिल्म खिलाड़ी भैया के काम चल रहा होता, वही में एक कहानी थोड़ा मोड़ा सुनावल गई बा, अभी स्क्रिप्ट और ये सब पे काम होता, जब हो जाए तब। गाना जब संतोष भैया के दिहल गए तो हमें गलती ना हो सकेला, बहुत अच्छा राइटर, बहुत बढ़िया म्यूजिक डायरेक्टर और बहुत ही अच्छा गाना और म्यूजिक भी बनी है, और मैं कौन सा अपना बहुत अच्छा। फर्टीचर फिल्म में चांस मिलेगा और अभी करेक्टर डिसीजन नहीं है। सबसे पहले मैं शुभकामना देना चाहता हूँ प्रोड्यूसर और लेखक राकेश कुमार यादव जी, जितने भी लोग यहाँ पे आए उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस मुहूर्त में आए अपना 20 कीमती समय निकाल करके, और कन्हैया भाई को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद, और हमारे निर्माता जी हैं राकेश कुमार यादव, उनको भी मेरे तरफ से बधाई, और दिनेश जी, नवीन दुबे, संगीत संतोष पुरी जी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। मुझे पता है रियाजी, कल बात हुई थी रियाजी से, तो बताया जो फिल्म का मुद्दा तय आ जाए
पटी सर और मुझे बहुत खुशी हुई। और कन्हैया जी से मैं काफ़ी पहले से जानता हूँ, काफ़ी 10 साल हो गए मुझे कन्हैया जी से जानते हुए। जब वो प्रोड्यूसर थे तब भी ऐसे फिल्मों की लाइन लगाए थे, और जब आज वो डायरेक्शन कर रहे तो ऐसी फिल्मों की मूर्त काफ़ी खुशी हुई मुझे। हर के की मेलोडी के माध्यम से जितने भी पिक्चर फिल्म रिलीज हो रही है, बन रही है, मैं चाहूँगा कि मेरा शुभ आशीर्वाद है कि दिन प्रतिदिन इसमें आगे विकास करता रहे। ये तो फर्स्ट होगा भोजपुरी, बिकॉज मुझे आता भी नहीं है, लेकिन हाँ मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि मैं भोजपुरी करूँ। और बिकॉज इसका भी एक बहुत अच्छा सा अपना इंडस्ट्री है, और जो स्टोरी सर ने दिया वो बहुत ज़्यादा, मतलब हमारे जो गाँव में, आपके भी गाँव में ऐसे ही होता है ना कि हम बाहर निकलते हैं क्योंकि हमारे गाँव में कुछ करने को नहीं होता है। तो ये बहुत ज़्यादा सीखने को होगा ना कि हम अपने गाँव में रह के अपने परिवार के साथ ही काम कर सकते हैं, उनके साथ रहने को भी मिलेगा और बाहर जाना भी नहीं होगा। देखते हैं सबके साथ।